अगर आप BTS के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम रहते हैं देगू में और BTS के दो लड़के हैं जो कि आते हैं देगू क्षेत्र से। तो आपने हमसे कहा था कि हम उनके बारे में बात करें, तो आपने हमसे कुछ कहा है, तो हम आपको बता सकते हैं क्या? तो भाई आज हम आपको घुमाएंगे सुगा और वी के बचपन से संबंधित जगहों पर। चल सुगा और वी, मिस्टर सुगा, मिस्टर मिन योंग, अपने मिस्टर सुगा है ना, मिस्टर सुगा, मिस्टर वी, मिस्टर वी, मिस्टर वी एंड सुगा। रुको जरा, सब्र करो। चलते चलते अब हम वहाँ पहुँचे आज के पहले डेस्टिनेशन पे, जो कि है मिस्टर मिन योंगी का एलिमेंट्री स्कूल, जहाँ से उन्होंने अपने जीवन की पहली सीढ़ी रखी थी। तो भाई ये जहाँ अब हम आके खड़े हैं, ये जो हमारे पीछे देख रहे हो, ये है तेजन एलिमेंट्री स्कूल। कहने का मतलब ये, अपने बचपन में छोटे पन वो यहीं पर ही पढ़ा करते थे मिस्टर सुगा। और एक चीज़ और, जब वो फिफ्थ क्लास में थे ना छोटे ही, तो उस टाइम से उन्होंने रैप वैप लिखना शुरू कर दिया था। मतलब कि बचपन से ही इंटरेस्ट था इन कामों में। तो वो तो आपको पता ही होगा ना, जैसे हम कहते हैं हमेशा नॉर्मली, मतलब सभी कहते हैं कि भाई जिस काम में इंटरेस्ट हो वही करो, तो इन्होंने वही करा और आज दुनिया जानती है ना। तो ये एलिमेंट्री स्कूल से 10-15 मिनट के रास्ते पे पैदल पैदल चलते चलते हम आ गए हैं मिस्टर मिन योंगी के हाई स्कूल पे, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी थी आगे की। ये रहा आपके पीछे स्कूल, बढ़िया पहाड़ों पर चढ़ के ऊपर अपना रास्ता है, पहाड़ों पर चढ़ के हम भी आ गए। और ये वही जगह है जहाँ पे मिन योंगी से नाम उनका चेंज हो गया था सुगा पे। वैसे आप में से कई लोगों को, मतलब मुझे लगता है सभी को पता होगा कि नाम सुगा क्यों है। कई लोग सोचते कि वो शुगर की वजह से सुगा है, ऐसा नहीं है, मैं बता देता हूँ, मतलब आपको पता होगा फिर भी मैं बताता हूँ। ये जो हमारे मिस्टर मिन योंगी हैं, इन्हें बचपन से ही ना म्यूज़िक और बास्केटबॉल दोनों का बहुत ज़्यादा शौक था। बास्केटबॉल में एक पोजीशन होती है जिसका नाम होता है शूटिंग गार्ड करके, तो उससे आया है सुगा, जिसकी वजह से इनको आज की डेट में आप हम सब जानते हैं सुगा रैपर के नाम से। समझ रहे हो? अभी तक जहाँ से हम बोल रहे थे वो था नीचे इनका फुटबॉल ग्राउंड। अभी हम जो इनकी मेन बिल्डिंग के सामने जा रहे हैं एंट्रेंस, भाई ये तो बहुत ऊपर है, यहाँ तो चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाती होगी बंदों की। नहीं तो यही तो यहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर है ना, कि बच्चों को चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो, मतलब आपके जो सुगा है मिस्टर रैपर उनकी भी सांस फूल जाती होगी। देखो ये रहा आपके स्कूल की एंट्रेंस। नहीं दिख रहा तो हम बता रहे थे, टाइम हो रहा है 11:30। भाई साहब धूप हो रही है इतनी कैड़ी और हम बना रहे हैं वीडियो किसके लिए भैया? आप लोगों के, आप लोगों के लिए, दर्शकों के लिए। ये देख रहे हो बस नंबर 724। तो अभी हमने आपको घुमाए दो स्कूल, उनके बारे में बातें बताई, ठीक है। हम आपसे पूछते हैं इस बस नंबर से क्या आपको कुछ याद आता है, और ये हम नहीं बताएंगे, अगर आपको कुछ आता है तो आप कमेंट्स में हमें लिख के बताइए कि वो क्या है। ओके, बस नंबर 724। देख रहे हो पीछे, हमें कुछ कह रहे थे आप, सात सुरों का संगम। हाँ कहाँ पे मिलता है देगू में? मुझे क्या बताओ, आप बताओ। नामसान स्ट्रीट पे, पूरा डेडिकेटेड है म्यूजिक के लिए ये स्ट्रीट। तो इसी चीज से हम आपको बताना चाहेंगे, हम पहुँच गए हैं आज की तीसरी मंजिल पे, जिसका नाम है नामसांग इंस्ट्रूमेंट स्ट्रीट करके। ओके, और यहाँ पे पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं अलग अलग तरीके के वो बिकते हैं, अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो जरूर यहाँ आइए। तो भाई ये जो अपने मिस्टर सुगा है ना, ये कुछ टाइम पहले, मतलब जब यहाँ रहते थे देगू में, उस टाइम वो म्यूज़िक कंपोज भी क्या करते थे यहाँ पे आके। और ये जो स्ट्रीट है अपनी नामसांग इंस्ट्रूमेंट स्ट्रीट, इस स्ट्रीट को BTS का म्यूज़िक स्टार्ट होने की जगह भी कहा जाता है, इस जगह को। समझ रहे हो आप, है नहीं गहरी बात? नहीं, पर एक और चीज़ मैंने नोटिस किया। क्या भैया? देखो अपना जो चर्च होता है ना, वहाँ पे बच्चों को जो म्यूज़िक पढ़ाया जाता है, वायलिन और गिटार सब। हाँ तो शायद यहाँ पे हमने जैसे देखा, ये नामसान एरिया में बहुत चर्च है, हर 100 मीटर में एक चर्च है, तो शायद उसी के कारण इतना म्यूजिक का यहाँ पे स्ट्रीट, स्ट्रीट हो सकता है। बहुत कम मौके मिलते हैं कोरिया में आके डॉग्स को टच करने के। और एक चीज़ और है कोरिया में, जैसे ये तो जाते जा रहे शायद भले लोग थे, ये तो कोरिया में ना मोस्टली ऐसे होते हैं, जैसे कोई डॉग को लेके घूम रहा है, और भाई ऐसा इंसिडेंट हुआ 6 दिन पहले, और तुम उसके डॉग को करो ना ऐसे कि प्यार से बुलाओ अपनी तरफ, तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे हम खा देंगे कुत्ता को। नहीं बताओ उस लेडी वाली बात, मैं रास्ते में जा रहा था तो बहुत क्यूट डॉग था, तो मैंने सिर्फ ऐसे किया तो वो बोले नहीं 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 करने, कोई बात नहीं। लेकिन ये अच्छे तो बेचारे की तरफ प्यार डॉग था, देखा ना आपने। हाँ तो अब आती मुद्दे की बात, जो स्ट्रीट है यहाँ पे जो जिस चीज़ के लिए फेमस है, अब आपको वो दिखाते हैं कि वॉल है इस पे
बहुत तरीके की आर्टिस्टिक चीज़ें करी गई हैं। अब आप देखिए और हम भी देखते हैं, ओके। कण कण में बसा है म्यूजिक। ये एक स्टेज सा बना हुआ है, शायद यहाँ पे खड़े होकर परफॉर्मेंस होती होंगी कभी, क्या पता है नहीं। हाँ, क्या पता अब भी होती हो। आपको पता है मिस्टर सुगा जो है हमारे, अब इन पे अंधा पैसा है, बट एक समय ऐसा था जब इनके पास एक दिन में खर्चे के लिए सिर्फ $2 होते थे। मतलब बहुत मेहनत करी है इन्होंने इतनी इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। तो आप सब जो कि इनके फ़ैन हो, सब इनको अप्रिशिएट करते हो, तो इनसे ये सब सीख लेनी चाहिए। नहीं भैया कि इन्होंने जहाँ तक जिस मुकाम पे पहुँचे अपनी मेहनत करके पहुँचे, सारे ही जितने भी हैं लोग ऐसे ही है। हाँ, इंडिया में भी अमिताभ बच्चन है, सब मेहनत से ही पहुँचे हैं। सब मेहनत से ही पहुँचे। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो बापू जी के कृपा की वजह से पहुँच जाते हैं। तो भाई तीन स्थान बढ़िया से घूमने के बाद और आपको घुमाने के बाद अब हम जा रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो वहीं जाके बताएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा करिए इंतजार, वहीं पहुंचते हैं बहुत जल्द। तो भाई आपने नॉर्मल ट्रेन बहुत देखी होंगी, सबवे देखी होंगी, हम आपको दिखाते हैं डेगू मोनो रेल। देखो बच्चे झूल रहे, झूला घोड़ा गाड़ी। तो भाई हम पहुंच गए अपने चौथे डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है, क्या नाम है भैया? लोगों ने इतना टाइम सब्र किया है तो अब बोल ही देते हैं, ठीक है? दलसांग पार्क। अभी जो आजकल समय चल रहा है ना, वो चल रहा है चूसोक का। मतलब जब ये वीडियो आएगी तब तक तो चूसोक जा चुका होगा। ओके, तो हमें लगा था कि भीड़ भीड़ ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि लोग अपने यहाँ फेस्टिवल में जाते हैं ना। बट वैसे भी इनका फेस्टिवल में इतना फन नहीं है जितना हमारे आता है। बकरा भी अंदर। बेटे बकरे डियर, यहाँ देखो यहाँ क्या कर रहे हो। ये देखो डियर कितना करीब है, छोटे कैमरे को देख रहा है वो, है ना? नमस्ते कर रहा, नमस्ते कर रहा डियर, नमस्ते कर रहा आपसे। तो भाई ये जो पार्क है, ये जो आपके हैं वी, उनके बचपन से जुड़ा हुआ, उनका यहाँ बचपन में बहुत आना जाना था, वो यहाँ पे आते थे। आपने फ़ोटो वोटो देखी होगी शायद, अभी यहाँ पे दिख रही होगी, ये फ़ोटो देखी होगी ना, तो वो इसी पार्क की है। और जो उनका स्कूल है ना, इस पार्क के 10-15 मिनट की दूरी पे ही है, स्कूल भी यहीं है और वो यहीं आया करते थे। तो भैया कैसा महसूस कर रहे हो आप इस पार्क में आके? शांति। यहाँ मेडिटेशन कर लें बैठ के? हाँ कर लें। मतलब सच में माहौल तो यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है, एकदम मेडिटेशन करने का, पेड़ पौधे जू जानवर जंगल। हाँ तो भाई इस बढ़िया पार्क में आके ना हमें एक बात याद आई मिस्टर वी की। जब वो छोटे थे ना, छोटे थे तब वो ये सोचा करते थे कि वो भी बड़े हो गए फार्मर बनेंगे। फार्मर समझते हो ना, खेती बाड़ी। उन्होंने मतलब कुछ सोचा नहीं था ऐसे कि भाई सिंगर विंगर बनेंगे, कुछ ऐसा मैटर होगा। लेकिन फिर उन्होंने बजाना शुरू करा, वो सैक्सोफोन होता है ना भैया, ऐसे वाला जैसे को बजाते हैं बड़ा सा पीक में, हाँ वो वाली, वो बजाना शुरू करा। उसके बाद उनका इंटरेस्ट जगा इस चीज़ में, देख लो फिर उसमें लगे रहे। फिर उनकी फैमिली ने भी उनको सपोर्ट करा और आज की डेट में आप हम दुनिया जान रही है उन्हें। गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, गाने लिखते भी हैं, मौज है। नहीं आपने वो मिस्टर वी की फ़ोटो देखी होगी ना वाली, जो वो एक पेड़ के पास भाग रहे हैं, मतलब बचपन की फ़ोटो है, फिर अभी 2015 में फिर खिंचवाई थी। तो वो फ़ोटो भी इसी पार्क में क्लिक की गई है। तो अगर आप उनके फ़ैन हैं और आप वहाँ आना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो भाई ये है वो पेड़ जिसकी अभी हम आपसे बात कर रहे थे, बचपन की फ़ोटो वाला, देखिए। तो भाई अब हम आ पहुंचे हैं बुकबू स्टेशन के पास। अक्षय वो देखो क्या हुआ, बाइसिकल रेंटल शॉप। अच्छा हाँ, मतलब कि अगर हमें यहाँ पे कहीं घूमना है ये पास एरिया में,
मैप भी दिया हुआ है, इतने एरिया में हम साइकिल यहाँ से रेंट लेके घूम सकते हैं। तो अगर आप आओ यहाँ पे अपना साइकिल रेंट पे लेना और यहाँ पे घूम भी सकते हो आप। और हाँ, इस जगह से एक बात और याद है, अभी भैया वो रिसेंटली मैं गया था ना सोल मंदिर, अच्छा। जब गया था मंदिर वाली वीडियो, इस्कॉन टेंपल, इस्कॉन और उसमें गुरुद्वारे वाली वीडियो, तो उस वीडियो पे अभी कमेंट आया, मेरे से पूछा है कि कोरिया में मंदिर तो आपने दिखा दिए, मस्जिद भी है क्या? तो उस चीज़ का आंसर हम बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं, उसका आंसर यही है। और बताना कि आपको दिखा देते हैं, सामने है भैया देगू मस्जिद कोरिया, अब आप देखिए। हाँ हाँ सही है। तो भाई आपके उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि कोरिया में मस्जिद है, आपको देगू में, बुसान में, सोल में, हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हम पहुंच गए हैं आज की हमारी 5वीं मंजिल पे, जिसका नाम है सेम्युन मार्केट। और ये जो मार्केट है ना, कोरिया नहीं, कोरिया नहीं, देगू का बहुत ज़्यादा अंधा फेमस मार्केट है। ट्रेडिशनल चीज़ें, सामान, खाना वाला, स्ट्रीट फूड, हर चीज़ यहाँ पे बहुत केड़ी मिलती है। नहीं भैया? हाँ केड़ी तो मिलता है। अभी इस टाइम यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी कम है आज, इसलिए शॉप वॉप बंद है, क्योंकि अभी चल रहा है चूसक, मैंने आपको जैसे बताया था। तो सही है, वैसे चूसक चल रहा है, हम आराम से यहाँ पे बना पा रहे, नहीं तो यहाँ पे चलने वलने की जगह नहीं रहती है। तो अगर आप आए तो इस चीज़ को बिल्कुल अपनी लोकल मार्केट, लोकल मार्केट देखिए, पैंट लग रही है सच में, रीजनेबल प्राइस में भी आपको सब कुछ खरीदेंगे आप रीजनेबल प्राइस में। नहीं, नेशनल ज्योग्राफी के कपड़े सही में, जैसे हमारे नहीं होता, मतलब अगर आप मतलब हम मैं जैसे मेरे ठिकाओं को बताइए, हमारा पैंट लगती है मतलब बुद्ध बाजार, वेंसडे को मार्केट लग रहा है, तो इस तरीके का ही होता है। तो यहाँ की बिल्कुल वैसी फील आ रही है। गुजरात में उसको रविवारी बोलते हैं, संडे को लगता है रविवारी। तो भाई ये है रविवारी, ये है पैंट, ये है बुद्ध बाजार, सब कुछ यही है कोरिया का। और दिल्ली का, और दिल्ली का चांद चौक। Check the mic and make sure it sound right, boys. अगर आप आए तो एक चीज ध्यान रखिएगा थोड़ी सी, कि कई जगह कई शॉप्स मतलब यहाँ ऐसी होती हैं जो कि ना आपसे कार्ड नहीं लेंगे, खाली कैश लेंगे। तो हमारे पास तो लग रहा है मोस्ट ऑफ शॉप ऐसे ही है। हाँ, ज्यादातर ऐसी होंगी, क्योंकि अभी हमें पीना था, कुछ पीने का मैटर चाहिए था, और आंटी वाले बड़ा क्या जूस, लेकिन भाई वहाँ कैश देना था, हमारे पास कैश वैश था नहीं, तो हमें कहीं ऐसी बाहर बार से कुछ लेना पड़ेगा पीने के लिए। और ये मार्केट मिस्टर वी एन सुगा से संबंधित क्यों है, ये तो हमने आपको बताया नहीं, क्योंकि ये जो मार्केट है ये वी के घर के बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पर सोम्युन मार्केट घुमाते घुमाते हमारा बन गया मोर, ठीक है। तो इसलिए हमने ले लिया लेमोनेट और हम इसे बैठ के पी रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा अगली डेस्टिनेशन है, अगली मंजिल है ना आज की, वो एक ऐसी जगह है, पहली बात तो ये कि वो खाने का मैटर है, और वो एक ऐसी जगह है, कैसी भैया? एकदम एकदम बढ़िया बढ़िया, मतलब कहने का मतलब हम इतना कह सकते हैं, मतलब हमारा एक्सपीरियंस है कि देगू, देगू में ही, देगू क्या पूरा कोरिया, हम सियोल में भी खाए हैं ना, जितनी भी जगह आज तक हमने खाना खाया है, जहाँ हम जाएंगे आज, उससे ज़्यादा बढ़िया खाना में कहीं का लगा नहीं आज तक, मजाक से। और वो जगह का नाम क्या है वो हम वहीं जाके बताएंगे। आप गेस कर लीजिए, शायद देखा हो आपने। हाँ क्या पता आपने देखा हो, आप गेस कर लेते हैं और हम इसे पीते हैं, थोड़ी देर में आपसे वहीं मिलते हैं खाने पर। ओके यस। तो हम वहाँ पहुँचे उस जगह पे जहाँ के बारे में बात कर रहे थे, हमें पता है आप में से कुछ लोगों ने तो गैस जरूर कर लिया होगा, तो उस रेस्टोरेंट का नाम है रागा रेस्टोरेंट। ओके, तो चलिए मैं आपको पहले रागा रेस्टोरेंट वाले भैया से मिलवाता हूँ। कैसे हैं भैया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है आशीष भैया, जिनसे पहले मिल चुके होंगे एक वीडियो में, यहाँ पे दिख रही होगी उसमें। तो आज हम फिर भैया से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है भैया आपसे, मतलब जो आपका रागा रेस्टोरेंट है, इसमें अपना इंडियन फ्रेंडली फूड और मुस्लिम फ्रेंडली फूड, उनका क्या माहौल है, मतलब अवेलेबल है? मुस्लिम फ्रेंडली फूड एक्चुअली, मुस्लिम जो लोग हैं पोर्क नहीं खाते, हमारे रेस्टोरेंट में पोर्क और बीफ दोनों नहीं बनता। अच्छा, सो हलाल फूड के मामले में लैम्ब है जी, और वेजिटेरियन मेन्यू बहुत लंबा है, तो जो हम खाते ही हमेशा खाते ही हैं, तो हमारे रेस्टोरेंट को मुस्लिम फ्रेंडली का टैग मिला हुआ। अच्छा, मिला हुआ जी, ठीक है, तो बढ़िया बात है। तो अगर आप आएंगे यहाँ पे तो आप वेजिटेरियन फूड भी खा सकते हैं और मुस्लिम फ्रेंडली फूड भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मैंने आपको बताया है खाना तो कुछ है भैया, अब हमने ऑर्डर कर दिया है, आने में ही होगा। तो भैया भोजन आ गया है टेबल पे, तो हम उसे ग्रहण करते हैं। वैसे ना मेरे यहाँ ना अंदर छाला हो रहा है दो तीन दिन से, खाना लगता है उसमें, लेकिन कोई नहीं, खाना खाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केटीओ न्यू दिल्ली इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। वो भोजन ग्रैंड हमने कर लिया, गजब। भैया कैसा लगा खाना? अरे एकदम बढ़िया, सच में मजाक से हटके एकदम सच्चाई वाली बात है ये। कभी आप आएँ तो आप यहाँ जरूर आना, ठीक है ना? और अगर कोई भी रिपोर्ट ख़राब मिले, गारंटी मेरी है फुल। अक्षय कुमार शर्मा नाम है मेरा, देवी यूनिवर्सिटी मेरठ का हूँ। ओके,
हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, और यहाँ पे जहाँ हम बैठ खा रहे थे वो तो खाना आपने देख लिया। उसके अलावा एक एरिया और है जहाँ अगर आपको नीचे बैठ के खाना है ना, मतलब फैमिली आती है बड़ी बड़ी, वो बैठ के खा सकते हैं। देखो ऐसे, तो यहाँ पूरा माहौल बना रखा भैया ने, आराम से आप लोग बैठ के खा सकते हो। यहाँ पे रोमांटिक माहौल के लिए बाहर लाइट के ये भी है। तो ये हो गया, हमने खा लिया खाना, आपको दिखा दिया गजब खाना। अब हम चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे। चले चले सच में गेस्ट करने रखे हैं या अभी बोल दे कहाँ जाए? बता देते हैं, बता ही देते। ठीक है, तो भाई हमारा अगला डेस्टिनेशन है वो है हमारा रूम, क्योंकि भाई बहुत थक चुके हैं, थकान होगी बहुत ज़्यादा। अगर आप और देखना चाहते हो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे तहे दिल से। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में हमने सूबा और वी के बारे में आपको देव से संबंधित बातें बताई, उन जगहों पर घुमाया, और जिनमें से एक का नाम है किम त्योंग। कि मतलब कि मैंने आपको बताया था ना वो किस तरीके से हमारे देश भारत देश से संबंधित है, लिंक्ड है इस वीडियो में। ये वीडियो जो ऊपर आ रही होगी आपको इस वीडियो में, तो ठीक है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, इधर से दिल से तहे दिल से। अगली वीडियो मिलेंगे जल्द ही, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।